नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के कमानी चौक की ये तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं प्रवासी मजदूर यहां पर खड़े हैं और प्रवासी मजदूरों को एक बस यहां पर लेकर आती है। तो बस वाला सुल्तानपुर लोधी के लिए इन्हें यहाँ पर लेकर आता है, पंजाब के लिए लेकर आता है, पर लेकिन जो है यमुनानगर उतार देते हैं। सुल्तानपुर लोधी तक का टिकट बनाए थे मधेपुरा से। हाँ, बस यहीं पर उतार दिया पीछे में। सर पूछा, वो बोला कि हम यहीं तक रहेंगे, यहीं तक का भाड़ा मिला, आगे तक का भाड़ा हमको नहीं मिला। आपने कहा नहीं पूरा भाड़ा दिया? हम तो बोले कि पूरा भाड़ा दिया, बोला हमको भाड़ा दिया। जब आगे हम दलाल आप रखे हैं तो आपने कुछ लोग हैं? हम 48 आदमी है। बस वाला कहाँ गया? बस वाला वहीं पर बोल रहा खराब है, मेरा बस जाएगा नहीं, आप पता नहीं भगा के ले गया कि कहाँ गया। कितनी बस थी? एक ही बस थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, ये प्रवासी मजदूर जो सुल्तानपुर लोधी के लिए बस में बैठते हैं, पर लेकिन बस वाला यमुनानगर छोड़ देता है और कहता है कि हमें यहीं तक का किराया मिला है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में बुजुर्ग भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। बस का नंबर कितना है? बस का नंबर ये है, देखो बस का नंबर। बस वाले ने आपसे मारपीट करने की? थप्पड़ लगा रहा था, बोले थप्पड़ मारेंगे साला भाग जाओ यहाँ से, चरवर चरवर कर रहा है। तो देख सकते हैं बस वाला थप्पड़ भी मारता रहा। क्या नंबर है यादव? UP 22 AT 1739। तो अब क्या कहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? क्या गुहार लगेंगे? हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग को पहुंचा देंगे। हम लोग तो चार रोज हो गया, 26 तारीख को 10 बजे चले। हाँ, मनमर्जी चला है बस, ऐसा नहीं चला, मतलब हुआ आगे होटल मिल गया तो वहीं रोक दिया 2 घंटे के बाद। बस वाला कहाँ गया? बस वाले पीछे है, पड़ा है, पकड़ लिया नहीं, वहाँ पे खड़ा है। पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, सब वहीं पे है। मीडिया वाले देख करके बोल रहा कि इस बस पे बैठ जाओ, चलो आगे में आपको उतार देंगे वहाँ पर। वो भी बोला अम्बाला उतार दे, अम्बाला उतारेंगे। बहुत अन्याय कर रहा है, बहुत लॉकडाउन में चल रहा था, जैसे लॉकडाउन में पैदल आदमी चल रहा था वैसे हम लोग भी पैदल चलेंगे, क्या होगा, भूखे मरेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, तमाम जो है यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो सुल्तानपुर लोधी के लिए बिहार से निकलते हैं, पर लेकिन जो देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर इन प्रवासी मजदूरों को उतार दिया जाता है, 1500 से 1700 रुपए लिए जाते हैं सुल्तानपुर लोधी के लिए, पर लेकिन यहीं पर उतार दिया जाता है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, प्रवासी मजदूर यहाँ पर खड़े हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ पर खड़े हैं, परेशान है। अब कैसे जाएंगे वहाँ पर? हम लोग का पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, 1 रुपया नहीं है साथ में, परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान बस नहीं है, क्या करेंगे, भूखा कितने मरेंगे, परेशानी देखते हैं, अब कैसे जाएंगे, 1 रुपया नहीं है तो साथ में, पैसे नहीं है। भीख मांगे तो 1 रुपया कोई नहीं देगा, कोई तो भीख भी मांगेगा तो 1 रुपया कोई नहीं देगा, कोई देगा? हम अभी ये रोड पे स्टार्ट कर देंगे, कोई भी देगा 1 रुपया? कोई नहीं देगा। आप रो रहे हैं? रो रहे हैं, 1 रुपया नहीं है, अब कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे जाएंगे, इसके लिए रो रहे हैं। 4 दिन से भी खाना नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस बस वाले से जिसने आपके 1800 रुपए मार लिए और अब आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ छोड़ दिया है? अब क्या करेंगे, ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो करेगा आप लोग के ऊपर है। नचना ही होगा जी, जैसे नचाएगा वैसे तो नचना। कहाँ पर है वो बस ड्राइवर? आगे में बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, बस ड्राइवर, तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर बस के कंडक्टर यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये खड़े हैं भाई साहब इनको यहाँ क्यों उतार के सुल्तानपुर लोधी के लिए? या तो मेरी बात सुनो, ऐसा है देखो जी, गाड़ी आ रही है, इनको बिठा के भेज देंगे, एक गाड़ी भेजी है उसमें ये लोग बैठे नहीं जी। गाड़ी गई है, वापिस मैडम जी ने बुलाई है, आ जाएगी गाड़ी भेज देंगे। क्या आप अम्बाला उतारेंगे? अच्छा, बोला टिकट लिया सुल्तानपुर लोधी का, हम लोग 1700 रुपया किराया लिया है। मेरे को दिया? आप किसको दिया? आप उसके सामने खड़ा था जी, 1700 रुपए किराया लेने पर मैं फिर भी गाड़ी में भेज रहा हूँ। सुल्तानपुर लोधी पहले गाड़ी आई थी, उसमें ये बैठे नहीं, मारपीट क्यों की? हमने नहीं करी मारपीट, इन्होंने भी करी हमारे साथ, ये देखो इन्होंने करी है हमारे साथ, करी है रास्ते में, करी है हम लोग का राज इतना चल सकता है, इसको मार सकते हैं, हम लोग मार सकते हैं, बताओ जो हम लोग उधर
लेकर आया, उसको मारेंगे हम लोग। ये हम लोग तो यही सोचते हैं आप लोगों को सुल्तानपुर पहुंचा देता है तो क्या आप ठीक रहेंगे? हां ठीक रहेंगे जी। आप जाना चाहते हैं सुल्तानपुर? जाना चाहते हैं जी, जाना चाहते हैं जी, जाना चाहते हैं जी। आप लोगों का सुल्तानपुर तक पहुंचा देगा? हां जी पहुंचा देगा। अच्छा पहुंचा देगा। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या सुल्तानपुर इन्हें छोड़ दिया जाए? छोड़ देंगे जी, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। हां जी हां, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। सर एक सेकंड, हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि हमारे पत्रकार भाई खड़े हैं, इनके साथ भी मौके पे बदतमीजी की गई है। किसने करी है? क्या बदतमीजी कर दी है? अरे यार एक मिनट, क्या बदतमीजी कर दी? हमने यही बोला है जी, उनको हमारे से बात करने दो, हमें उनसे बात करने दो, नहीं तो हम छुड़वा देंगे, इनको गाड़ी आ रही है, यही बोला हमने। क्या बोला? कोई बदतमीजी नहीं कर रही है, छोड़ रहे तो क्या छोड़ोगे? भाजी गड्डी आएगी यहाँ पर धोखा दे दिया तुमने, इतनी दूर से ले आए इनको 1300 किलोमीटर से, मिस्त्री बुला है, आपका राइड बनता है, मिस्त्री तो गाड़ी तो चेक कराएंगे, गाड़ी तो चेक कराएंगे मिस्त्री को। भाऊजी गाड़ी मिस्त्री बुला लो, अगर पैसे दिए, अगर मिस्त्री कहे ना गाड़ी में कमी नहीं है, जो आप कहोगे मैं करूँगा, ठीक है? आपको पैसे दिए इन्होंने, माल की बात है, गाड़ी खराब रखी आपकी? हाँ गाड़ी खराब है, क्लच प्लेट बैठ गई है, मिस्त्री बुलाओ, अगर मिस्त्री कहे गाड़ी खराब नहीं है, जो आप कहोगे मैं करूँगा। गाड़ी खराब हुई, बात खत्म होगी। तो देख सकते हैं प्रवासी मजदूर यहाँ पर, आप देख सकते हैं नहीं, गाड़ी खराब नहीं हुआ है, गाड़ी खराब नहीं हुआ, मीडिया वाले के देख करके बोल रहा मेरा गाड़ी खराब हो गया है, नहीं तो पहले बोल रहा था, पहले नहीं बोला खराब हुआ है, मीडिया वाले ने देखा फिर बोला खराब हुआ। आप अब सुल्तानपुर जाना चाहते हैं? चाहते हैं जी, चाहते हैं। तो आपको क्या ये सुल्तानपुर पहुँचाने में इसके साथ जाएंगे? इसके साथ जा सकते, कितने लोग थे? 110 आदमी, 110 आदमी, से कुछ नहीं खाया, नहीं खाया, एक सब एक बस में था, एक बस में, एक बस में था, ट्रेन में भी नहीं जाता है, मैं उनकी खच्चिया भी उड़ा। देख सकते हैं यहाँ प्रवासी मजदूर परेशान हैं, रो रहे हैं, और देख सकते हैं तस्वीरें, ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि वो सुल्तानपुर जी, जैसे गाड़ी का पर्दा हटाता था तो ये गाली देने लगता था, पर्दा क्यों हटा रहा, गाड़ी को बाहर क्यों देख रहा है, बैठा हुआ था उसमें, अभी हम लोग 50-60 आदमी इसमें है, और आदमी तो भाग गया इधर उधर, छह आदमी था, एक सीट पे छह आदमी था, बॉर्डर पे नहीं रोका, नहीं भी नहीं रोका, रोका था, ये पर्दा लगा हुआ रहता था, नहीं पता लगता था, जब पर्दा हम लोग हटा, सवाली निशान है जो प्रशासन, तो देख सकते हैं एक एक सीट पर छह छह व्यक्ति, एक बस में 110 व्यक्ति, क्या पूरे रास्ते पर, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, हाँ मधेपुरा, तो बिहार से लेकर यहाँ तक क्या किसी आरटीओ ने इसकी जांच नहीं करी कि 110 आदमी इस गाड़ी के अंदर, इस बस के अंदर सवार थे, और सवालिया निशान करते हैं, कहीं ना कहीं बस वालों की मिलीभगत यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आपकी बस में कितनी सवारियां? हमारी गाड़ी 55-52 सीटर है जी, 55 सीट, और वो कह रहे हैं कि 120 लोग थे। नहीं नहीं, दो गाड़ियों की सवारी है, 120 क्या झूठ बोल रहे हैं? 110 लोग, बिना बात का इल्जामबाजी नहीं लगानी चाहिए, जो बात सही है इनको भेजेंगे, गाड़ी ब्रेक डाउन है, दूसरी गाड़ी में कितने लोग थे बस में? 110 आदमी था जी, तो देख लीजिए, बोलने को तो मैं बोल दूंगा जी, 150 आदमी था, एक डब्बा और जुड़ा हुआ था, ऐसे नहीं होता जी, दो बसों की सवारी थी, एक बस चले गई, एक आश्वासन छुड़वाएंगे आपसे, हमारा वादा, आप इस बात को बढ़ावा दे रहे हो, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, आप बढ़ावा दे रहे हो, इनको छुड़वाएंगे हम, बात कर तो गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी आ रही है भाऊजी, गाड़ी तो आके ही होएगी, जरूर कीजिएगा, ड्राइवर को फोन किया है, गाड़ी लेके आ रहा है, परेशान हम भी परेशान है, गाड़ी खराब हो गई है, क्या इन्हें घर तक, हम भी परेशान है, हम भी घर से बेघर है, सुल्तानपुर लेकर छुड़वाएंगे, तो देख सकते हैं आप तस्वीर है जी, भैया छह नीचे बैठाया था, 5 ऊपर, एसी वाले में 5 और नीचे वाले में 6, केबिन में 13-13 था, केबिन में 13-13 था, और नीचे में भी एक लाइन से लगा कर, चेक इन कहीं नहीं हुआ, चेक इन कहीं नहीं हुआ, मिली भगत इनकी आरटीओ के साथ, होगा 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 सर, होगा मिली भगत होगा, अगले जो ना अगले फोन कर देता है तो सब रुक जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रवासी जो मजदूर थे वो परेशान थे, पर लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है मीडिया को देख करके कि अब मैं इन्हें छोड़ दूंगा सुल्तानपुर लोधी। तो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे जिला यमुनानगर के कमानी चौक पर, ये जो बातचीत जो जारी थी यहाँ पर, प्रवासी मजदूर परेशान थे, तो उसकी कवरेज हम आपको यहाँ पर दिखाई कि अब ड्राइवर मीडिया को देख करके, कंडक्टर मीडिया को देख करके अब सुल्तानपुर लोधी छोड़ने की इन प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा है। तो लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।